आज हम ऑपरेशन करने लगे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनिलीवर, इसके स्ट्रक्चर का। अच्छा, ये जो यूनिलीवर का स्ट्रक्चर है ना बच्चों, आपने यूं सोचना है कि ये स्ट्रक्चर आज उस हालत में शायद नहीं है जिसमें एक्चुअली इस वक्त है, लेकिन जिस वक्त इन्होंने प्रिंट किया होगा उस वक्त ऐसे ही था। तो इसके अंदर सबसे पहली बात जो है ना, पता क्या बताता है, कहता है कि यूनिलीवर ने क्या किया, यूनिलीवर ने अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इनोवेशन के हवाले से काम किया, यानी जरा जिद्दत आए फौरी तौर पर। तो यूनिलीवर ने मेंटेन किया एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो एड्रेस कर सके बिजनेस में आने वाली चेंजेस को जल्दी के साथ, यानी इधर कस्टमर की कोई नीड बदले वो फौरन उसे रियलाइज करके मिनटों में एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर दे, मिनटों जो के इनोवेशन को फौरी तौर पर अडॉप्ट कर सके। और उन्होंने इस चीज का खास ख्याल रखा है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जो डायवर्सिफाइड ग्लोबल ऑपरेशन को मैनेज कर सके और अडॉप्ट कर सके। यानी इसका मतलब ये होगा कि ये मुख्य बात ये कहता है कि उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है जो निस्बतन ज्यादा आसानी से आने वाली तब्दीलियों को कूप अप कर सके और फौरी तौर पे चीजों को एडजस्ट कर सके और प्रोडक्ट्स को इनोवेट कर सके। इस मकसद के पेश नजर अगर आप देखें ना, तो इनके स्ट्रक्चर में हमें नजर ये आता है कि इन्होंने ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। देखिए कौन कौन सा प्रोडक्ट आपके सुना होगा, लक्स आपने सुना होगा लाजमत, ठीक है ना। इसी तरह आपने वॉल्स की आइसक्रीम खाई होगी, है ना। लाइफ बॉय से भी गांव में बच्चे नहाते ही इससे ज्यादा। अच्छा अच्छा जी, आप फोनिंग चाहे रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, ब्रूक बॉन्ड की चाय भी आपने पी होगी और डव साबुन से भी कभी कभी मुंह धोया होगा आपने, कनोर का जूस सूप भी पिया होगा आपने, नूडल्स खाए है ना। अच्छा, और लिप्टन की चाय भी पी होगी आपने। तो देखिए कितने प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा बच्चों, अब बात ये आ गई कि हम क्या कहना चाह रहे थे, हम ये कहना चाह रहे थे बच्चों कि असल में बात ये है कि ये है प्रोडक्ट डिविजन्स। कौन से डिविजन्स है? प्रोडक्ट डिविजन्स। पहले इन्होंने बनाए अपने प्रोडक्ट डिविजन्स, उन प्रोडक्ट डिविजन्स को आगे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव टीम्स के हवाले कर दिया कि वो उसको देखे, और उसके आगे कर दिए जियोग्राफिक डिविजन्स। यानी स्ट्रक्चर यू बनाया कि सबसे ऊपर क्या है, प्रोडक्ट डिविजन्स, दूसरे लेवल और दूसरी हायरार्की में, दूसरी हायरार्की में क्या किया, शाबाश कॉर्पोरेट, और उसके बाद क्या किया, जियोग्राफ, ठीक है। अच्छा, वो कैसे किया हुआ है, इन्होंने ऐसे किया हुआ कि सबसे ऊपर यूनिलीवर का लिख देते हैं, यूनिलीवर प्रोडक्ट डिविजन्स सबसे ऊपर बना दी, यूनिलीवर प्रोडक्ट डिविजन्स। अच्छा, यहां पे ना इन्होंने क्या किया होगा कि यहां पे इनका बैठा होगा पीओडीज वगैरह या बोर्ड्स वगैरह जो उसको कंट्रोल कर रहे होंगे, ये सबसे ऊपर। इसके अंदर अगर देखे ना इनके प्रोडक्ट डिविजन्स क्या होंगे, एक अंदाजा लगा लेते हैं, तो अंदाजन जो प्रोडक्ट डिविजन बने होंगे वो इस शक्ल के होंगे, जैसे इन्होंने काम किया होगा वो किसके ऊपर, पर्सनल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया होगा, उसके बाद इन्होंने काम किया होगा पर्सनल केयर, वो जो क्रीम वगैरह होती है। अच्छा, उसके बाद फूड प्रोडक्ट्स पे काम किया होगा, और उसके अलावा इन्होंने होम केयर जैसे डिटर्जेंट वगैरह, फर्श साफ करने के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वाले, और उसके अलावा रिफ्रेशमेंट। तो ये इन्होंने यहाँ पे इस तरह से इसको किया होगा, पहले प्रोडक्ट डिविजन बनाएंगे। अच्छा, उन प्रोडक्ट डिविजन्स को फिर क्या किया होगा, उन प्रोडक्ट डिविजन्स में से हर प्रोडक्ट डिविजन्स के आगे उसके बिजनेस फंक्शंस, उसके आगे उसके बिजनेस फंक्शंस, जैसे होम केयर को ले लेते हैं, होम केयर, तो होम केयर को ले लेते हैं तो हम कहते हैं इसके आगे जो है ना इसके बिजनेस फंक्शंस कर दिए गए, बिजनेस फंक्शंस, यानी इसके आगे उसके बिजनेस फंक्शंस। बिजनेस फंक्शंस क्या होंगे, मिसाल के तौर पे बिजनेस फंक्शंस ही होंगे
जैसे कि आप कह दीजिए कि जी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ठीक है, उसके आगे क्या जी मार्केटिंग लिख देते हैं, मार्केटिंग ठीक है जी, और मार्केटिंग से आगे लिख देते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और उसके बाद एक का डिपार्टमेंट और डाल देते हैं परचेस। चलो भाई और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, लेकिन हमने मार्केटिंग में आमतौर पे सेल्स को एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है लो जी। तो पहला कलम किसका करा बच्चों और अगला किसका बन गया? अच्छा आगे इन्होंने क्या किया, आप देखें जरा क्या कहता है, कहता है उसके बाद जियोग्राफिक डिविजन यानी टीम बनाई जियोग्राफिक डिविजन की। अब जियोग्राफिक डिविजन में इन्होंने क्या किया होगा कि जैसे फर्ज करें मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग के लिए आगे मार्केटिंग के लोगों को ब्रेक कर दिया होगा कि चलो भाई मुख्तलिफ जगह की मार्केटिंग को देखो, मुख्तलिफ जगह की मार्केटिंग को देखो, जैसे एशिया की मार्केट को देखो। अब प्रोडक्ट बन चुके हैं पीछे, प्रोडक्ट पीछे मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है होम केयर प्रोडक्ट्स की, उसके आगे फंक्शंस काम कर रहे हैं, उनके अंडर फंक्शंस काम कर रहे हैं, और उसके नीचे क्या है फिर आपकी जियोग्राफिक टीम है, और जो जो आपकी जियोग्राफिक टीम है उसके अंदर एशिया की टीम अलग है, अमरीका की टीम अलग है, यूरोप की टीम अलग है, और आपके अफ्रीका की टीम अलग है। फिर अफ्रीका डालेंगे, आप नाराज है ना कि हमारा एरिया डालेंगे। फिर बच्चों अब समझ आए कि लेवल क्या क्या है, लेवल समझ आएगी आप इसके। अब देखिए सबसे पहले जो चीज है वो बनते हैं इसके कौन से, प्रोडक्ट डिविजन्स। अब प्रोडक्ट डिविजन्स क्या करते हैं, मैं यहां पर सुल्तान समवेयर एंड समवेयर हियर इसकी बात कर रहा हूं, पहले सबसे पहले इसकी बात कर। तो प्रोडक्ट डिविजन में क्या क्या होगा, प्रोडक्ट डिविजन फंक्शन आर द यूनिट इनेबल यूनिलीवर टू मैनेज डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ इट्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट मैनेजर यूज्ड टू फीचर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू मैच मार्केट नीड्स, यानी कि कॉर्पोरेट लेवल के जो मैनेजर है उनकी जिम्मेदारी है कि मार्केट नीड्स को देखते हुए देखो कि आजकल लोगों की स्किन कैसी है, उनको किस तरह का लोशन चाहिए, आजकल उनके बाल कैसे हैं देखो, उनको किस तरह का शैम्पू चाहिए। इसका एडवांटेज ये है कि वो कंपनी फैसिलिटेट कर पाती है कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोडक्ट के जो डिफरेंशिएट कर सके दूसरे कंपेटिटर से, ठीक है, और कस्टमर की नीड को एड्रेस करने की कोशिश करे, ठीक है। और जनरली अगर देखें तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बेनिफिशियल है बिकॉज आप प्रोडक्ट्स को जब ऊपर वाले लेवल पे बना लेते हैं तो आपके पास एक डायवर्स पोर्टफोलियो मैनेज करना आसान हो जाता है, और दूसरी बात यह है कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का रोल ऊपर ही खत्म हो जाता है। अब मसला रह जाता है इसको बेचना कैसे, काम कैसे चलाने, तो काम चलाने के तो प्रोडक्ट कौन कौन से, पर्सनल केयर, फूड, होम केयर एंड रिफ्रेशमेंट, ये डेलिब्रेटली हमने ऐसे ही यहां पर लिखा। अब जब ये लेवल कवर हो गया तो अगला लेवल किसका आ गया बच्चों, कॉर्पोरेट एग्जेक्टिव का। अब वो जो लेवल है वो कौन सा है, वो लेवल हमने कहा शो किया, वो लेवल हमने ये शो किया लेवल नंबर टू। अब लेवल नंबर टू पे जाते हैं तो वहां पे क्या है, ये इनकी एग्जेक्टिव टीम है, ये उस वक्त की है जब ये इन्होंने लिखा था, अब जाहिर बंदे बदल गए हो। अच्छा तो आप घर जाके इसकी तस्वीर में भेजूंगा देख लीजिएगा। अच्छा कॉर्पोरेट टीम और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंडरी का मतलब क्यों हुआ, क्योंकि लेवल नंबर टू है, पहला लेवल की प्रोडक्ट है। अच्छा दिस स्ट्रक्चर फीचर बेस्ड ऑन द बिजनेस फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल यूनिलीवर हैज अ टीम ऑफ फाइनेंस, टीम ऑफ फॉर फाइनेंस एंड एन अदर टीम फॉर मार्केटिंग कम्युनिकेशन, तो इस तरह टीम बनाई हुई है, एक टीम मार्केटिंग को डील कर रही है, दूसरी टीम जो है वो फाइनेंस को डील कर रही है। दीज टीम्स मेक अप द यूनिलीवर लीडरशिप एग्जीक्यूटिव, सो यहां से यूनिलीवर लीडरशिप एग्जीक्यूटिव डेवलप होते हैं। क्लियर बच्चों, तो कितने लेवल हो गए, दो लेवल। अब तीसरा लेवल कौन सा है, तीसरा लेवल है जियोग्राफिक का, ठीक है जी, थर्ड लेवल इज और जियोग्राफिक, ये वाला। अब जियोग्राफिक पे चले जाते हैं, जियोग्राफिक में यह कि जियोग्राफिक डिविजन आर माइनर फीचर फॉर यूनिलीवर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर,
The company uses this structure characteristics to support regional strategies. जियोग्राफिक डिवीजन बना देते हैं. वो जियोग्राफिक डिवीजन जो है वो डिफरेंट क्या करते हैं, डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेटेजीज अप्लाइड फॉर. तो ये उन स्ट्रेटेजीज को मैनेज करते हैं जो डिफरेंट है, जो एशिया के लिए और है, यूरोप के लिए और है, अमेरिका के लिए और है. तो ये उसके मुताबिक आगे फिर ऑपरेशन कर देते हैं जियोग्राफिकली. सीधी बात है, देखिए जी, यूरोप के मुल्क है या अमेरिका के मुल्क है, वहां पे हालात कुछ और है, वहां बर्फ पड़ती है, ठंड है, वो प्रॉब्लम कुछ और है. ये मुल्क है, इनके कुछ अपने इश्यूज है, तो उनके मुताबिक वो अपने अपने मामलात को आगे मैनेज कर सके और देख सके. तो इसके फिर आगे मार्केटिंग टीम बना दी गई. ठीक हो गई बात. इस तरह का स्ट्रक्चर अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर इसको इस तरीके से कोई ना समझाए तो किताब में लिखा कुछ समझ आता है. ये बच्चा बोलते हैं ना बोर्ड, अभी आप देखेंगे इसकी तस्वीर आएगी. अच्छा बच्चों, तो एशिया, अमेरिका और यूरोप, ठीक है, अपने अपने इलाके के मुताबिक, कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं लैंग्वेज का फर्क है. अब ये आ गई इनकी तस्वीर. नहीं, मकसद ये था ना कि आप इतना बोलते हैं तो आपकी तस्वीर तो लोग तो देख रहे. मिला के देख लो है. नहीं नहीं, ये तेरी तरह ना लड़की है ना लड़का है. अच्छा तो बच्चों बात में क्या कर रहे. मैं कहने का मतलब ये तो कार्टून है, ऐसी करने वाली बात नहीं है, ये मेरे कहने का मतलब. अच्छा अच्छा बच्चों, तो बात हम क्या कर रहे थे, एडवांटेजेस क्या है. अब बात ये है कि इट सपोर्ट फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन. इसका फायदा ये है कि प्रोडक्ट ऊपर वाले लेवल पे काम जब होता है, सबसे ऊपर प्रोडक्ट पे काम होता है, तो आपको बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है कि आप प्रोडक्ट अपने को इनोवेट कर सके और उसके अंदर न्यू फीचर्स ला सके. आप उसके अंदर नए फीचर ऐड कर सके, बड़ा इजीली चांस मिल जाता है. लेकिन प्रोडक्ट टाइप्स डिविजन्स हैज इज सेमी ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज टू डेवलप प्रोडक्ट एंड डायरेक्टली सूट द नीड इन द कस्टमर गुड्स एंड मार्केट सेगमेंट्स. के देखेंगे मार्केट सेगमेंट्स यानी मुख्तलिफ मार्केट ग्रुप और कस्टमर्स को क्या चाहिए, वो बड़ी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और हमने इन्हें क्या किया हुआ, सेमी ऑटोनोमस यानी कुछ चीजों में ये हमारे से अप्रूवल लेते हैं टॉप लेवल से और बाकी चीजों में ये आजाद है. ठीक है, अपनी रिसर्च वगैरह में आजाद है. इनेबल यूनिलीवर टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट डिस्पाइट ऑफ लार्ज साइज ऑफ इट्स ग्लोबल ऑपरेशन. ग्लोबल ऑपरेशन इतना बड़ा होने के बावजूद ये इसे इस काबिल बनाते हैं कि इसके प्रोडक्ट दूसरों से मुनफरिद हो, और वो है भी. तभी तो मार्केट प्लेस में इतनी अच्छी जगह बना चुका है. क्या हाल है. अच्छा, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपने जो रीजनल एस्पेक्ट्स है ना उन्हें प्रोडक्ट से बहुत नीचे ले गए. जब बहुत नीचे ले गए तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि अब ये बने हुए प्रोडक्ट बेचो, लेकिन नीचे से ऊपर जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोसेस बड़ा स्लो हो जाएगा. कि अफ्रीका में बैठा बंदा कहेंगे हमें इस तरह की पत्ती नहीं चाहिए या हमें इस तरह का बॉडी लोशन नहीं चाहिए, तो इट विल लिटल स्लो. लिहाजा मिनिमल सपोर्ट है रीजनल स्ट्रेटेजी की इम्प्लीमेंटेशन, इसकी सपोर्ट ना है. चूंकि प्रोडक्ट तो ऊपर दो लेवल ऊपर बन चुका है, नीचे वाले सिर्फ इसे बेचना ही है, क्या करना है, सेल ही करना है. और इवन थ्रू जियोग्राफिक डिविजन्स आर वन ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल फीचर द कंपनी फोकसेस मोर ऑन प्रोडक्ट टाइप्स डिविजन्स. क्योंकि कंपनी ने सबसे ऊपर रखे प्रोडक्ट डिविजन हो रहे हैं, तो जियोग्राफिक के ऊपर इतना फोकस नहीं जितना प्रोडक्ट पे फोकस है. तो पहला ड्रॉबैक ये कि जियोग्राफिक रीजन जो है उनको इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं मिल पाती, क्योंकि प्रोडक्ट तो पहले लेवल पे बन के दूसरे लेवल से होता हुआ तीसरे लेवल पे पहुंच रहा है जो जियोग्राफिक है. अब तीसरे लेवल के जो लोग हैं अगर वो अमेंडमेंट चाहते हैं तो वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स को रीचेंज तो नहीं कर सकते, डेवलप नहीं करवा सकते. और दूसरी तरफ यह है कि आपका मेन फोकस प्रोडक्ट्स पे जियोग्राफिक पे नहीं है. एज अ रिजल्ट देयर इज लिमिटेड सपोर्ट फॉर द मार्केट स्पेसिफिक
रीजनल स्ट्रेटेजीज, तो जो मार्केट स्पेसिफिक रीजनल स्ट्रेटेजीज है उनको बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं मिल पा रही। लिहाजा क्या किया जाए, लिहाजा ये किया जाए कि कुछ रिकमेंडेशन दे देते। अब रिकमेंडेशन क्या है, वो रिकमेंडेशन क्या है, ये रिकमेंडेशन ये है कि दस टू इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यूनिलीवर मस्ट इंक्रीज इन द साइज ऑन द जियोग्राफिक डिविजन्स। उसे जियोग्राफिक डिविजन्स को ज्यादा ऊपर लाना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, इम्पावर करना चाहिए और मैनेजेरियल टीम्स को ज्यादा बेहतर सपोर्ट करना चाहिए एंड द स्ट्रक्चरल चेंज इंप्रूव द स्ट्रेटेजिक इफेक्टिवनेस। इससे इनकी स्ट्रेटेजिक इफेक्टिवनेस में इजाफा होगा मार्केट प्लेस में। तो ज्यादा अच्छा ये है कि जियोग्राफिक डिविजन अगर बनाए हैं तो उनको जरा ऊपर वाले लेवल पे ले आए और उनको ज्यादा अच्छा सपोर्ट करें। ये नहीं कि प्रोडक्ट बना के पहले फंक्शन बना दिए फिर उन फंक्शन को डिफरेंट रीजन में फैला दिया। क्लियर बच्चों, यहां तक कोई चीज मुश्किल? तो अब